फातेह आलम सिकंदर एक मर्तबा अपने उस्ताद अरस्तु के साथ घने जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में एक बहुत बड़ा बरसाती नाला आ गया। नाला बारिश की वजह से तो ज्ञानी पर आया हुआ था। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान बहस होने लगी कि खतरनाक नाला पहले पार कौन करेगा। सिकंदर बजिद था कि पहले वो जाएगा। आखिर अरस्तु ने इसकी बात मान ली। पहले सिकंदर ने नाला पार किया, फिर अरस्तु ने नाला बोर करके सिकंदर से पूछा, क्या तुमने पहले नाला पार करके मेरी बेइज्जती नहीं की? सिकंदर ने जवाब दिया, नहीं उस्ताद मुकर्रम, मैंने अपना फ़र्ज अदा किया है। अरस्तु रहेगा तो हज़ारों सिकंदर तैयार हो सकते हैं, लेकिन सिकंदर एक भी अरस्तु तैयार नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शम्सुल उलमा के खिताब के लिए अपने उस्ताद मीर हसन का नाम पेश किया। कमेटी के अराकीन ने पूछा, इनकी कोई तसनीफ? अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, मैं हूँ इनकी तसनीफ। ये जवाब सुनकर अराकीन हैरत में पड़ गए और अल्लामा की फरासत की दाद दी। उस्ताद की कदर कीजिए, ज़माना आपका कदरदान होगा। सुभानअल्लाह।